साथियों, भारत मंडपम जैसी इस व्यवस्था का निर्माण कई दशक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कार्य काम मेरे हाथ में ही लिखे हुए हैं। और हम देखें, दुनिया में किसी देश में अगर एक ओलंपिक समिट होता है, पूरी दुनिया में उस देश का प्रोफाइल एकदम से बदल जाता है। आज के विश्व में इन चीजों का महत्व बहुत बड़ा हो गया है और देश का प्रोफाइल भी बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं जो कुछ न कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करती है। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं, नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की, खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब ये सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा, जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी फ्रंट पेज पर, ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था, अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे, यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे।